यही सदगुरु महाराज की हम सब की भूमिका उस कल्याण के पथ के हमारी हमारे मन में कर्म में हमारे जीवन में हमेशा सा एक खूबसूरत जीवन दर्शन नूतन जीवन दर्शन जो हमारे कल्याण के पथ पर चलने की ऊर्जा देता है। सुधर महर्षि जी महाराज के इस विराट आध्यात्मिक जगहों पर उपस्थित हमारे सभी एक ऐसा हमारे विराट संत ने सदगुरु के रूप में आपके बीच उपस्थित है सदस्य इस विराट मंच पे जो आपके जीवन की भूमिका को बताते हैं आपके आने के अभिप्राय आप क्यों आए आपके आने का औचित्य क्या है आपके जीवन के हिस्से की भूमिका क्या है और गुरु की भूमिका क्या है आपके कल्याण का भाव क्या होगा ये सब कुछ ऐसे ही संत जो आत्म मोक्षार्थम जगत हितैषी संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की देवों सर्वधर्म संभव सब कुछ एक ही में दर्शन है वसुदेव कुटुंब हम सब एक परिवार के एक ही गुरु के किसी एक ही क्रिएटर के निर्माण करता हमारा परिवार एक है उसको जिस परिवार के रूप में आप देखिए हम लोग मानते नहीं हैं कथा सुनने आते हैं मैं उन सभी आदरणीय संतमत को हृदय से मैं अंतःकरण से
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अच्छा लगता है आपके बीच अपने को पाकर। अत्यधिक खुशी होती है जब कभी आपका स्नेह, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी खुशनसीबी है मैं आज देवांगन के इस पावन धरती पर आपका वात्सल प्रेम लेने के लिए मैं अपने उस विराट महापुरुषों के इस आध्यात्मिक तरंग के बीच मैं उपस्थित हुआ। श्रद्धा हमारी माँ और बहने विश्वमयी करुणामयी माँ, आप देवत्व और ममत्व के विराट स्वरूप, आपकी उपस्थिति मात्र से ही हम रोमांचित होते हैं। हमें एक ऊर्जा मिलती है। हम भागवादी नहीं है, हम भगवानवादी भी नहीं है, हम किस्मतवादी भी नहीं है, हम हमेशा अपने जीवन का आधार कर्म कर रहे हैं। आपसे ही तो जीना सीखे, आपसे ही तो मुस्कुराना सीखे। आप हैं तो हम सब का अस्तित्व। आपसे बड़ा भगवान कौन है? भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मत तलाशिए, खुद के भीतर ईश्वर। यहाँ ईश्वर तुल देवतुल हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, पिता के समान कई ऐसे भाई हैं जो हमसे उम्र से भरे हैं, कई सामाजिक काम करने वाले हैं। रानी पत्रा इस इलाके के कई समाधि पर ग्रस्त और भाई हैं, सामाजिक जीवन जीने वाले अति सम्मानित जिला पार्षद महोदय, हमारे साथ इसी दीवान में के सभी युवा तुर्क साथियों, मेरे साथ आए हमारे अध्यक्ष जी, बबलू जी, प्रता जी, अरुण जी, सुधीर जी, सिद्धू जी, सभी छात्र अध्यक्ष, सभी साथियों, मैं सिर्फ दो बात कहकर जाना क्षमा चाहते हुए आशीर्वाद लेकर जाना चाहूंगा। यह प्रातः काल और यह माहौल भजन और फिर मेरे भाव को उस विराट में ले जाना, सत्य और संग, सत्य सच्चाई का पथ। सत्य का मतलब ईश्वर, ईश्वर ही एकमात्र सत्य।
कोई क्रिएटर कहता है, कोई भगवान, कोई राम, कोई रहीम, कोई नानक, कोई कबीर, कोई बुद्ध, समय समय पर जब जब मानवीय जीवन की सांस्कृतिक और सामाजिक और वैचारिक चीजों पर चोट पड़ी तब तब नए नए दर्शन आते हैं। शिव परिवार एक परिवार, हम सब जिन्होंने संपूर्ण विश्व की मानव की भूमिका को तलाश, हमारे जीवन के रास्ते प्रशस्त किए, हमें एक खूबसूरत जीवन दर्शन दिया। हमें योग दिया, आयुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिया, संगीत दी, जीवन जीने के अंतरंग साधना दिए, तांत्रिक साधना दी। हम एक परिवार है, उन्होंने पूरी दुनिया के काबिला जब अलग अलग बटे थे उसके बीच से अलग अलग, जब हमारे पास लिपि, वर्ण, अक्षर, गीता, कुरान, बाइबिल कुछ भी नहीं था, बस हम नाम मात्र उपस्थिति हमारी थी कि हम मूलवासी आदिवासी दुनिया में 1.25 साल पहले चिंपांजी और बंदर के बाद आए और फिर मानव जीवन की धीरे धीरे सभ्यता की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते चले गए और फिर हमारा जीवन दर्शन समय समय पर हमारे जीवन में आता गया। अध्यात्म विज्ञान नैसर्गिक रिश्ता है और मैं समझता हूं हम सब का जीवन दोनों के नैसर्गिक मिश्रण से पूर्ण होता है। हम सबको तलाश करना चाहिए। ये मंच आपका है, मुझे लगता है कि हमें वर्तमान के सत्य को भी समझ लेना चाहिए, अतीत चला गया, भविष्य को जानते नहीं, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और जो देखते हैं वही सच है। और हम सबको ढूंढ लेना चाहिए इस सत्य। आपके हिस्से वो तय कर चुके हैं कहां ढूंढते हैं। एक मां के बच्चों को थप्पड़ और गाली देकर हम मां से आशीर्वाद नहीं मांग सकते। मां के तीन बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, मां तीनों से प्यार करती, वो फर्क नहीं करती। जो कोई क्रिएटर होगा आपका, आई डोंट नो, मैं उस भूमिका में नहीं जाता हूं, बस मैं हर पल हर मिनट एक घंटा सोता हूं, उसके बाद अपने कामों में रहता हूं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मैं 130 करोड़ लोगों को देखता रहता हूं, उसके लिए मुझे कैसे जीना है मैं जानता हूं। मेरी भूमिका किसी ने तय कर दिया, इसलिए मैं उनकी भूमिका में दखल नहीं दे, वो तय करे, उसको जो करना हो करते रहे, मुझे जो करना है मैं करता हूं, मुझ पर कोई असर नहीं करता है।
होंगे, मुझे भी तो सुविधा तो फिर जिसने क्रिएट किया है हमको, वो पाप और पुण्य में फर्क कैसे कर सकता है? हम यहां से जाएंगे किसी के घर में ढुक जाएंगे और हम पकड़ा जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हर बार लगता है दिन खराब था, दिन मंगल है, इसलिए पकड़ा गया। गलती हमने की, खराब दिन हो गया। गलती हमने की, भैरव बाबा पर कम शराब चढ़ाए थे, गलती हो गई, चलो शनिचरा पर सरसों का तेल चढ़ा देते हैं, चलो किसी बाबा पर, भगवान पर दूध चढ़ा देते हैं तो ठीक हो जाए। जैसे एक मां के सामने उसके बच्चों को आप गाली और पीट कर मां से आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, कोई भी इंसान किसी इंसान को गाली देकर उससे नफरत कर उसकी जिंदगी की खुशी और उसकी मुस्कुराहट को छीन कर अपने जीवन और अपने बच्चों की भूमिका के लिए दूसरों की भूमिका और दूसरों की जिंदगी को तबाह करने वाला कोई भी व्यक्ति ईश्वर के रास्ते ईश्वर को नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि यदि मां से आप आशीर्वाद नहीं ले सकते हो तो जिसने क्रिएट किया है, पूरी रचना की है इस सृष्टि का, नेचर का, जानवर का और विराट मानव का, उसको बिठा कर हम ईश्वर के रास्ते की ओर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो भी मां है। इसलिए उसके बच्चों को समाप्त कर उसके हृदय को दुख देकर अपने आचरण और अपने चरित्र और अपने चिंतन से किसी एक मानव या किसी गॉड गाइड बाय नेचर या नेचर गाइड बाय गॉड, उसके द्वारा निर्मित किसी भी चीजों को आप समाप्त करके उसके पास नहीं जा सकते। आप कुछ मत करो, बस जिसको उसने क्रिएट किया है उससे मोहब्बत करो, उसके लिए जीरो दुनिया की देने की प्रवृत्ति रखो। अब इस दुनिया में देने की प्रवृत्ति ही नहीं है, फिर भगवान को कैसे ढूंढ लोगे? फिर भगवान से प्रेम कैसे कर लो? जबरदस्ती बस वो तो है, आप उसके बच्चे हो, आपसे वो प्रेम करते ही रहेंगे, लेकिन आप प्रेम नहीं कर पाओ। प्रेम का मतलब है अर्जुन, प्रेम का मतलब है मीरा, प्रेम का मतलब है द्रौपदी, प्रेम का मतलब है अहिल्या, प्रेम का मतलब है कौशल्या, प्रेम का मतलब है हजरत हुसैन, प्रेम का मतलब है बुद्ध का अशोक के साथ, प्रेम का मतलब है राम का हनुमान के साथ, हनुमान का राम के साथ, सुदामा का अर्जुन के साथ। प्रेम का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, प्रेम का मतलब है उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी कंप्लीट सदगुरु का विचार। साधक तो बस विनम्रता से आता है। मां को सुंदर बेटा नहीं चाहिए, मां को मासूम बेटा चाहिए जो उसको मुस्कुराने के लिए, उसकी मासूमियत मां को मुस्कुराने का रास्ता है। सुंदरता के में मत ढूंढिए, मत जाइए। इसीलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप अपने कर्तव्यों से मत भटकें। मन कठोती में गंगा तो मन कर चंद्र, उन्होंने भी अपनी भूमिका तलाशी, आप भी अपनी भूमिका के हिस्से करता, आप नहीं करते कुछ मत करिए। अपने पड़ोसियों को कभी मुस्कुराने के अवसर को मत छीनिए। आपको तो आपके दिया से नहीं बनता, भगवान से बनता।
आपको आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं रहते, भगवान कहाँ से खुश हैं? कथनी कहाँ से भगवान को खुश करना है? आपका भगवान है आपका अभी लिया पूर्णिया, मैं तो यही आ लिया। आपको जो सुनने में अच्छा लगेगा मैं वो नहीं बोलता हूँ, आपके जीने में जो सहायक होगा पप्पू यादव वही करता है। कौन क्या है इस दुनिया में, आई नेवर थिंग एंड नेवर, मैं कुछ जानना नहीं चाहता। इंसानियत और मानवता के लिए मुझे दुनिया में ऊपर नीचे किसी से भी युद्ध करना पड़ेगा तो मैं करता हूं। वो कौन है मुझे मेरे जीवन पर कोई असर नहीं। मैं हर दिन 1200-1800 किलोमीटर चलता और मेरी कोशिश होती है कि हर व्यक्ति के भीतर संभावनाओं को तलाशते हुए उसके जीवन को तलाशूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको भी पता है मैं आपके प्यार के बगैर कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस प्यार हुआ और मैं आपसे जीता हूं। पूरी दुनिया डरी हुई थी और अकेला पूरा देश में कोरोना से लोग खौफ में थे और हम कोरोना के खौफ के भीतर कोरोना को खौफ में डाल दिया। हमने कभी मास्क नहीं लगाया, हाथ में सैनिटाइजर नहीं लगाया, इन्होंने तय किया है हमारे जीवन जीने का। जब जब मानव जीवन संकट में होगा तब तब हमें इनके द्वारा निर्मित अध्यात्म और जीवन जीने के तरीके को ढूंढना होगा। कहां कुछ होता है हमने तो देखा, इसीलिए आप बढ़ते रहे करते रहे। समय समय पर संत आपके बीच आते हैं और आप क्यों आए हैं आपके ही जीवन दर्शन को बता के आपको एहसास कराते हैं। यह गुरु तत्व भाव, यह गुरु दर्शन, बस इनको आत्मसात कीजिए। संत मत जो ईश्वर के रास्ते को उस लक्ष्य की ओर ले जाए, वही तो ये दिव्य व्यक्ति तो बैठे हैं और इससे प्यार तो करना। प्यार सिर्फ सुनने से नहीं होगा, प्यार इनके उपस्थिति मात्र से आप आपके जीवन के बदलाव से होगा। फिर खुद इन्हें अच्छा लगेगा कि जिस महापुरुषों के अध्यात्म के साधना के बदौलत ऐसे विराट व्यक्ति पूज्य व्यासानंद जी महाराज और फिर उस वक्त कुछ लोग हैं, कुछ लोग मुझे इस कंट्री में अच्छे लोग नहीं मिले, भले लोग मिले, अच्छा लोग नहीं है। थे अच्छे लोग कभी, थे विवेकानंद, थे नानक। अच्छे लोगों का मतलब होता है जो बुराइयों को मिटा दे और अच्छाइयों के साथ करे। अच्छे लोग देखने नहीं आए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा पथ अब शुरू होता है यहां से 12 दिन, कहीं मर्डर, कहीं बलात्कार, कहीं घटना, यहां से सीतामढ़ी पहुंचना, इसी बीच में कई सारी घटनाएं रहती और फिर रात में पता, फिर कल से आरा छपरा मोतिहारी। हर दिन जो आप अपने जीवन के हिस्से का पाप करते हैं उसको हर दिन हम भोगते रहते हैं। मैं
आपसे आशीर्वाद लेकर मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, आप इंसान बने, जाति बने, धर्म से नहीं, मजहब से नहीं, आप आध्यात्मिक इंसान है। इसलिए रानी पत्रा से पूर्णिया और अच्छे समाज के निर्माण की भूमिका हमारे आने वाले पीढ़ी कला से मैं बधाई देता हूं। दोबारा जिला परिषद बनने की या आपने जो कुछ सीखा समाज में लगाया, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि और कुछ ऐसे बुजुर्ग जो नीचे बैठे, जो टीचर के रूप में भी भूमिका तलाशे थे, आज ऐसे बुजुर्गों की जरूरत इस देश को है। युवाओं का चित्त भटक चुका है, तो आपको बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी और विश्वामित्र की भूमिका में आना पड़ेगा। मैं आपकी भूमिका के लिए इंतजार करता हूं। नए समाज, नए बिहार के निर्माण के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।